Hello my dear friends, welcome to all of you in my YouTube channel Mahesh Whiteboard Video, and in this video you are going to watch Chillao Mat. So let's begin. एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देख तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों है? शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति को खो देते हैं इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस आदमी पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी कह सकते हैं। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी ने समझाना शुरू किया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वह एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वह जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं, तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से भी ज्यादा अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो यह ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर न होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ने लगे, तो एक ही समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई विल कम अप विथ द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।